1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो सिंध तो आज पाकिस्तान में है। लेकिन उन्होंने उस समय जो है भारत में चले आए ना, आने के बाद में वो अविवाहित थे, विवाह वगैरह नहीं किए। उन्होंने पाकिस्तान में रहना मंजूर नहीं किया? नहीं, उनका जो है से ऐसा लगा कि हमको पाकिस्तान में रहना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने भारत में चला आया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाध्याय, गांधी ने कहा, उसमें शरीर श्रम उन्होंने जोड़ा। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बने थे, वो भी आए थे? मांझी जी भी आए थे और लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे यहाँ। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे मुकेश अंबानी बनेंगे। मैं समन्वय विद्यापीठ बाघा आश्रम में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक चाचा मिले हैं जो काफी वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम राम प्रवेश पाठक है। मेरा घर पोस्ट ग्राम नौगढ़, थाना आमस, जिला गया का रहने वाला हूं और मैं 33 सालों से समन्वय विद्यापीठ बग्घा में रह रहा हूं। इस आश्रम का निर्माण कब हुआ सर? इसका निर्माण 66-67 में द्वारको भाई सुंदरानी के द्वारा किया गया, जो गांधी बिनुआ के शिष्य थे। और उस समय 66-67 में बहुत जोरों की अकाल पड़ी हुई थी जी। तो द्वारको भाई समन्वय आश्रम हमारा हेड ऑफिस है, वह बोधगया में समन्वय आश्रम बोधगया है जी सर। वहां से द्वारको भाई घूमते हुए इस क्षेत्र में आए जी। और आने के बाद में लोगों की स्थिति को देखकर उनको लगा कि आखिर इतना जो गरीबी है, चाहे इस तरह का नीचे स्तर का जीवन लोग जी रहे हैं, इसका कोई निदान है। उन्होंने सोचा कि इसका मुख्य कारण, लौट के बोधगया चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने इस पर सोचा कि आखिर इसका निदान क्या हो सकता है, तो लगा कि गरीबी का कारण शिक्षा भी हो सकता है। शिक्षा नहीं रहने के कारण इन लोगों का जिंदगी जो है इस तरह गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी है। तो उन्होंने इसके लिए विचार किया और लोगों से संपर्क कराने के क्षेत्र में संपर्क किया और समन्वय विद्यापीठ नाम से एक संस्था का निर्माण किया। और 66-67 से अभी तक गरीबों के लिए, गरीब जो भी है गरीब के लिए ही आज तक काम होते आ रहा है और उन्होंने जीवन भर गरीबों के लिए ही काम किया। द्वारिका सुंदरानी जी जो थे वो शायद पाकिस्तान के रहने वाले थे। वह जो है जब हमारा देश का बंटवारा होने लगा तो द्वारको भाई जो है से भारत चले आए देश के बंटवारा में, और यहाँ आकर के उन्होंने बिनुआ जी के साथ बिनुआ जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और यहाँ बिनुआ जी के शिष्य और गांधी का जो है से विचार को लेकर के आगे बढ़े और बिनुआ जी के कार्यों को आगे बढ़ाया। 1922 ईस्वी में द्वारको भाई सुंदरानी का जन्म हुई थी। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो द्वारको भाई सुंदरानी शायद सिंध के रहने वाले थे, तो सिंध तो आज पाकिस्तान में है। लेकिन उन्होंने उस समय जो है भारत में चले आए ना, आने के बाद में वो अविवाहित थे, विवाह वगैरह नहीं किए। उन्होंने पाकिस्तान में रहना मंजूर नहीं किया? नहीं, उनका जो है से ऐसा लगा कि हमको पाकिस्तान में रहना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने भारत में चला आया। और यहाँ आने के बाद में, क्योंकि शुरू से ही उनका विचार जो है समाज सेवा की ओर था, इसलिए उन्होंने कोई भी शादी विवाह से बहुत दूर रहा। और यहाँ आने के बाद में ऐसा लगाया कि हमको जो है आखिर सोशल वर्कर का काम कैसे करना है। पाकिस्तान में समाज सेवा नहीं होता क्या? पाकिस्तान में भी समाज सेवा होता है, लेकिन देश बंटवारा चल रहा था, उस समय के दौर को देखते हुए द्वारको भाई ने जो है भारत ही आना उचित समझा। भारत के जो विनोबा भावे हैं, महात्मा गांधी जी जो थे और जो भी लोग हैं, उनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा था, बहुत अच्छा साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, सारे लोग भारत के थे, इस वजह से तो वो भारत में रहने के लिए नहीं आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आने के बाद में बिनुआ का उन्होंने जो है से शिष्यत्व ग्रहण किया, बिनुआ के जो है से शिष्य बन गए और बिनुआ के साथ ही अपना जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसा कोई बात नहीं था कि पाकिस्तान में ही रह करके सोशल वर्कर का काम करते थे, लेकिन वहाँ जो है उनका उम्र छोटा था जी जी। जब यहाँ परिपक्व हुए तो और उधर जो है इनका ज्यादा ध्यान गया, समाज सेवा की ओर ज्यादा ध्यान गया। और यहाँ आने के बाद उन्होंने बिनुआ और गांधी के विचार को जो है आगे बढ़ाया और बिनुआ जी ने समन्वय आश्रम गया का स्थापना की और द्वारको भाई का वहाँ का कार्य सौंप दिया और कहा कि यहाँ जो है से आपको गरीबों के लिए यही काम करना है। इस आश्रम में, संस्था में क्या क्या सुविधा दी, क्या क्या कार्य किया जाता है यहाँ पे? मुख्य रूप से
गांधी और विनोबा का जो है मुख्य रूप से कार्य है कि आप और द्वारको भाई ने इस काम को किया कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके पढ़ने का जो है उसमें एक चैप्टर उन्होंने गांधी विनोबा का ही विचार है उसको द्वारको भाई ने आगे बढ़ाया कि उसके साथ जो है संस्कार की शिक्षा अनिवार्य है बच्चों को की शिक्षा हाँ बच्चे हाँ हाँ जो कहीं भी सरकारी स्कूल में नहीं दी जाती है लेकिन गांधी विनोबा ने कहा कि बच्चे को पढ़ाने से पहले संस्कार की शिक्षा दो उसको आदमी बनाओ क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है मैन इज सोशल एनिमल वह एक जो है से सामाजिक जानवर है और जानवर से आदमी बनाना है तो कैसे तो उसको संस्कार के द्वारा इसलिए गांधी विनोबा और द्वारको भाई ने संस्कार पर ज्यादा जोर दिया और बच्चे को संस्कार आज भी हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा था हमारे यहाँ डिग्री नहीं दी जाती थी आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ खादी का काम चल रहा है खेती का काम चल रहा है गौशाला का काम चल रहा है पाठशाला का काम चल रहा है तो ये सब में भी बच्चों को कितना एकड़ में ये फैला हुआ है लगभग 80-85 एकड़ में यह है जी जी। और आज जो है द्वारको भाई के विचारों को आगे बढ़ाते हुए भंसाली ट्रस्ट जो है इस काम को लिया है भंसाली ट्रस्ट महेश भाई भंसाली हमारे ट्रस्ट जो है देशा गुजरात की हाँ वह जो है महेश भाई भंसाली आज से नहीं बहुत पहले से ही हमारे जो है जो ट्रस्ट है उसके मेंबर हैं और सक्रिय मेंबर हैं वही अभी पूरा कार्य को देख रहे हैं और उनके भाई अशोक भाई दोनों भाई मिल करके ये पूरे काम को चला यहाँ ही नहीं 8-10 ब्लॉक में भी हमारा काम चलता है जो स्वास्थ्य सफाई पढ़ाई वगैरह वगैरह विभिन्न तरह मेडिसिन वगैरह सबका काम जो है 7-8 जो है से ब्लॉक में चल रहा है तो यहाँ पे जितने सारे स्टाफ है जो बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाती है तो ये सब का जो खर्च है वो कौन वहन करती है यहाँ जितने अभी 140 बच्चे हमारे यहाँ हैं जिसमें आधा संख्या लड़कों का है आधा संख्या लड़कियों का हॉस्टल में रहते हैं और बाहर से जो है सभी मिल करके बाहर से भी 300 बच्चे आते हैं और 150 बच्चे अपने हैं 450 बच्चे लगभग हैं 12 शिक्षक हैं CBSE की पढ़ाई होती है लेकिन उन पढ़ाई के साथ हम सुबह शाम और स्कूल में बच्चे को संस्कार की शिक्षा जरूर देते हैं इसलिए हमारे बच्चे संस्कारी हैं नियम का पालन करते हैं और जितने तरह के विद्यार्थियों में गुण है सभी उन बच्चों के अंदर है ये आपके पीछे जो बिल्डिंग बना हुआ है इसमें क्या होता है इस जो है से छात्राओं का रहने का बच्चियों का रहने का व्यवस्था छात्राओं हाँ हाँ छात्राओं का बच्चियों का रहने का व्यवस्था है छात्रावास है और लड़के लोग का रहने का कैसी में है कि अलग है इस अलग है उनका रहने का व्यवस्था सब अलग है अलग है स्कूल के ऊपर में जो है छात्रावास बना हुआ है आप इस संस्था से जो आप इतने 33 वर्षों से काम कर रहे हैं संस्था में तो बधाई के पात्र आपके हिसाब से कौन है हम लोग सभी जितने लोग हैं सब बधाई के पात्र हैं जितने ही यहाँ कार्यकर्ता हैं आप आपस में मिल करके सब किसी का कोई विभाग नहीं है जिसको जिस विभाग में जरूरत होता है सब मिल के आपस में काम करते हैं सब मिलजुल कर रहते हैं सब एक साथ खाते पीते रहना सुतना बैठना सब एक साथ होता है सभी बधाई के पात्र हैं ऐसा नहीं ना है कि महेश भाई भंसाली का माध्यम टेस्ट लाया जा रहा है तो आप लोग जितना भी स्टाफ वगैरह है जो भी खर्च बन होती है तो ऐसा नहीं ना है कि पेमेंट करने में या खर्च बन करने में देर किया जाता है परेशानी में डाला जाता है आपको तकलीफ पहुंचाया जाता है परेशान किया जाता है आप लोग को नहीं किसी तरह का नहीं बहुत अच्छा से इतना बढ़िया है कि आप एक आध दो दिन रह के यहाँ देखें हम लोगों का जो है ना पैसे का दिक्कत है और हम लोग एक तो है समाज हम लोग सोशल वर्कर हैं समाज सेवी हैं तो हम लोग पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जो भी पैसा है वह हम लोग को समय से मिलता है समय से कपड़ा मिलता है खाना मिलता है सब चीज़ व्यवस्थित है रहने हम लोगों को कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों के द्वारा हम लोग को प्रोत्साहन भी दिया जाता है आते हैं हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और हम लोग भी जितना बन सकता है सभी कार्यकर्ता मिलकर इस काम माननीय विधायिका जो अभी है ज्योति देवी वो क्या यही शिक्षा ग्रहण की थी हाँ ज्योति मांझी जो है उस समय मैं तो नहीं था लेकिन जब हमारा यह विद्यालय स्टार्ट हुआ समन्वय विद्यापीठ तो वह जो है से पहले पहले यहीं उन और उनके पति बालेश्वर जी दोनों यहीं इसी विद्यालय से पढ़ करके आवाज देखिए आज तो जो है तो ज्योति मांझी विधायिका जो है अभी करेंट में पहले भी रह चुकी है तो वो यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी मुफ्त शिक्षा तो वो जब विधायिका बने तो आने विधायिका बनने के बाद वो क्या कुछ इस संस्था के लिए वो कुछ अपना योगदान दिए हैं कि नहीं दिए हमारे यहाँ बराबर आती है बराबर सहयोग के लिए तैयार रहती है और आती है लोगों से हाल चाल लेती है और जब इधर आती है तो यहाँ जरूर आती है आप लोग सहयोग नहीं लेते हैं हम वो अपने सहयोग करती है सुनने में आया कि यहाँ पे जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बने थे वो भी आए थे मांझी जी भी आए थे और लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ जो है से आए थे और काफ़ी भीड़ हुई थी और वो तो आए थे तो बहुत बड़ा जो है से जल तलाव यहाँ उभरा था
बहुत देरी तक रुके थे और वो आश्रम को कुछ पैसा भी देने के लिए बोले थे, लेकिन मैं तो नहीं था, क्या हुआ से नहीं जानते हैं, लेकिन आए थे। आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, गांधी और बिनोवा और द्वारको भाई जी, इन लोगों का विचार जो है एक ही है, मुख्य मनुष्य का जो है शिक्षा, खेती, गौशाला और पाठशाला। इधर सारा खेती का ये किया जाए, दिखाइए, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए। तो द्वारको भाई, बिनोवा जी, इस सब का मुख्य उद्देश्य था कि ये चार चीज बहुत आवश्यक चीज है, शिक्षा जी, खेती जी, गौशाला और पक्षशाला जी। आश्रम का भी मुख्य उद्देश्य यही है चारों कि जो है इसी पर द्वारको भाई ने जोर दिया, बिनोवा जी ने, गांधी जी ने जो है इस पर जोर दिया। और उन्होंने कहा, एक हम लोग रोज मंत्र बोलते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेया, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वादाय, गांधी ने कहा, उसमें शरीर श्रम उन्होंने जोड़ा। और खुद द्वारको भाई 2 घंटा खेत में काम करके जो है कहते थे कि जो भी जो अफसर से लेकर रिक्शा पुलर, छोटा आदमी तक, मजदूर तक, सबको 2 घंटा खेत में काम करना चाहिए। और इन चार चीज़ों की मनुष्य की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहली आवश्यकता है शिक्षा, दूसरी आवश्यकता है खेती, तीसरी आवश्यकता है गौशाला और चौथा है पाकशाला। ये चारों चीज़ जहाँ रहेगा वहाँ सुख, शांति, समृद्धि रहेगा और मनुष्य को 2 घंटा जरूर खेत में काम करना चाहिए, उससे शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शरीर स्वास्थ्य के लिए आज जितने डायबिटीज है, हार्ट है, ब्लड प्रेशर की रोगी जो बन रहे हैं, इसका मुख्य कारण जो है क्योंकि हम शरीर श्रम भूल गए हैं। और बिनोवा ने कहा कि कोई भी हो, मैं आपको, समय तो नहीं है, बिनोवा का छोटा सा कहानी बताता हूँ। BBC समाचार पत्र था, वो वहाँ का संवाददाता मिलने के लिए बिनोवा जी से आया और कहा कि आश्रम में, पौनार आश्रम में, कहा वर्धा आश्रम में कि मैं आपसे, मैं बिनोवा से मिलने आया हूँ। तो लोगों ने कहा कि बिनोवा देखिए वहाँ है, कहा कि मैं बिनोवा से मिलने आया हूँ। लोगों ने कहा बिनोवा वही है, लेकिन उसको अच्छी नहीं, क्योंकि वो तो विदेशी पत्रकार था। जी जी। जब सभी लोगों ने कहा कि बिनोवा वही है, तो बिनोवा उस समय क्या कर रहे थे, खेत में फावड़ा चला रहे थे। तब जाकर को लोगों को उनको नहीं, फावड़ा चला रहे थे, तो यह जाके पत्रकार उनको प्रणाम किया, बिनोवा ने उनको देखा, फिर ले जाके लोगों ने बैठाया। अब वो विदेशी पत्रकार था, कहा कि मैं उनसे मिलने आया हूँ और वो जो है से फावड़ा चला रहे हैं। जब बिनोवा ने आया, कहा कि मैं आपसे इंटरव्यू लेना है, कहा लीजिए, तो मैंने आपको प्रणाम किया तो आपने उसका उत्तर नहीं दिया। फिर दूसरे, इतना देरी से मैं बैठा हुआ हूँ, मैं BBC आया हूँ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग से आया हूँ, और आप जो है से यहाँ जो है से हमसे मिलने नहीं आए, कहें कि मैं माँ की सेवा कर रहा था। तो कोई आदमी माँ की सेवा को छोड़ करके आपसे मिलने आ सकता है? जब तक मैं माँ की सेवा नहीं कर लेता, आपसे कैसे मिलता? अब इतने सोच, माँ की सेवा, भारत माता की, पृथ्वी की सेवा, पृथ्वी हमारी माँ है। हाँ, तो मैं माँ की उस समय सेवा कर रहा था, तो कोई भी आदमी अपनी माँ की सेवा को छोड़ के आपसे मिलने नहीं आ सकता हूँ। हमारा काम 2 घंटा रोज, मैं माँ की सेवा करता हूँ, इसलिए मैं माँ की सेवा को छोड़ कर आपसे मिलने नहीं आता जब तक माँ की सेवा नहीं कर लेता। तो इतने उच्च विचार वाले लोग जो थे बिनोवा भावे, उन्होंने ही शिक्षा पर जोर दिया, गौशाला पर जोर दिया और भूदान यज्ञ चलाया, गौ हत्या का विरुद्ध काम किया, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, और जमींदारों से जमीन मांग मांग के गरीबों में बांटा। इतने महान लोग बिनोवा, उनका जो सपना था वो जब तक जीवित थे तब तक वो तो मेहनत करते रहे, और अपने मेहनत को साकार करने के लिए, जो उनका सपना था, सपना को साकार करने के लिए काफी मेहनत किए और आगे बढ़े भी, लोगों को भी आगे बढ़ाए। अब क्या जब वो नहीं रहे, तो क्या उनका सपना को इस आश्रम के माध्यम, संस्था के माध्यम से पूरा किया जा रहा है? द्वारको भाई ने उसको पूरा किया। आज आपने देखा, बिनोवा का सपना था, आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कौशल विकास चलता है, हमारे यहाँ आपने देखा कि जो है से वस्त्र बिनने का काम जो है से चल रहा है, उसमें 60-70 महिलाएं जो है से काम कर रही है। तो यह जो है से बिनोवा गांधी का सपना था, द्वारको भाई का सपना था, वह पूरा हो रहा है। खेती में काम करने के लिए सिखाया जाता है, गौशाला गौपालन का काम सिखाया जाता है, पाठशाला का काम सिखाया जाता है। हमारे यहाँ केवल सिखाने का ही काम चलते रहता है कि इससे लोग सीखे पेड़ पौधे लगाने। देखिए हमारे आश्रम में कितने पेड़ पौधे हैं, ये सब पेड़ पौधा लगाने के लिए लोगों को सिखाया जाता है, इस तरह के पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, लगाना चाहिए। जितने भी आश्रम के कार्य हैं, लोगों को सिखाने के उद्देश्य ही किए जाते हैं। चलिए ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं, लगातार 33 वर्षों से लगे हुए हैं, पूरी जिंदगी अपना इसी आश्रम में लगा दिए हैं। आज के नौजवानों का क्या है कि एक नौकरी पकड़े हुए अगर वहाँ 20,000 मिल रहा है,
अगर कोई 21,000 देने के लिए तैयार होगा तो वहाँ तुरंत भाग जाएंगे, चाहे वो सोशल काम रहे या किसी भी तरह का काम रहे। आज के लोग जो है, आज के जनरेशन जो लोग है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना देखते हैं, अपना देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे मुकेश अंबानी बनेंगे, वो गरीबों को नहीं देखते हैं। और मेरा जो मानना है कि अगर हम महीने में 50,000 रुपए कमाते हैं तो उसका 10% 20% जो राशि है हम गरीबों को मदद के लिए सहयोग के रूप में खर्च करें। मेरा ये मानना है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का कार्य सभी को करें, क्योंकि हमारा जो बिहार राज्य है इसमें गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है और हमारा राज्य में, हमारे देश में जो अमीर है वो दिन पर दिन अमीर बनते जा रहा और गरीब जो है गरीब बनते जा रहा। यही वजह है, कहावत भी है कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। हमारे देश में, हमारे बिहार राज्य में ऐसा लगातार जारी है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी अमीर वर्ग के हैं उनको गरीबों को मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मेरा नाम नीरज सिंह है, आप लोग जितना इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि लोग इस आश्रम के बारे में जान सके और यहाँ पर लोगों को मुफ्त में शिक्षा दे सके और जो भी यहाँ फैसिलिटी है उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग भी आप लोग चैनल पे नए हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।